Hello and welcome back to my YouTube channel which is Quick Trip with Millie and today I'm going to share a new vlog, new video of Navratri Day 3. तो आज Day 3 है नवरात्रि का और नवरात्रि के Day 3 में माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है. अब चंद्रघंटा क्यों नाम पड़ा माता के तीसरे रूप का आपको ये व्लॉग देखने को पर ही पता चलेगा और किस तरीके से पूजा की जाती है, क्या कुछ भोग में चढ़ता है, क्या कुछ खास होता है माता के इस मतलब चंद्रघंटा माता के श्रृंगार में, सब कुछ मेरे इस वीडियो में देखने को मिलेगा. आरती भी आपको देखने को मिलेगा. तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखिए और फिर से मैं वीडियो के बारे में बोल रही हूँ, अपने चैनल के बारे में बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा क्योंकि एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू गाइस मैं अपनी वीडियोस को रेगुलरली अपलोड कर रही हूँ. नवरात्र के पूरे 9 दिन का मैंने आई हैव प्रॉमिस्ड विद यू गाइस एंड आई एम अपलोडिंग माय वीडियोस. तो आप अपना काम करो यार, वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो और अगर पसंद आए तो डू कॉमेंट इन माई कॉमेंट सेक्शन गाइज. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बकवास बंद करते हैं और वीडियो देखिए और माता की आरती देखिए और साथ ही साथ आशीर्वाद लीजिए. चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बाय बाय. यहाँ आप देख सकते हैं कि माता विंध्यवासिनी का श्रृंगार कितने ही अच्छे तरीके से किया गया है, कितने सुंदर तरीके से किया गया है. चंद्र घंटा माता को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से उनका श्रृंगार होना चाहिए, नवरात्र के दिनों में श्रृंगार माता के श्रृंगार का एक अलग ही महत्व होता है. तो यहाँ पर माता विंध्यवासिनी के श्रृंगार पे भी खास ध्यान दिया गया है और यहाँ पर आरती चल रही है. और अब आप देखिए हल्का हल्का लुक विंध्याचल का. ये विंध्याचल की पतली पतली गलियां हैं जहाँ पे माता विंध्यवासिनी का मंदिर है और यहाँ पे मंदिर के बाहर का एरिया भी उतना ही शानदार तरीके से सजा हुआ है कि भक्त अगर आए, जितने भी भक्त माता के आशीर्वाद लेने आए उनको ये देख करके मंदिर के बाहर का एरिया देख करके और भी ज़्यादा खुशी हो और उनका आना सफल हो. और यहाँ पर माता को सजाने के लिए सभी फ्लावर्स रखे हुए हैं, हर रोज़ उनके फ्लावर्स बदलते हैं, उनको इसी तरीके से सजाया जाता है. और यहाँ पर माता भोग लगाने के लिए सभी मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, हर तरीके के मिठाई रखे गए हैं. कई तरीके की मिठाई, ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिसमें माता को भोग लगाया जाता है एंड उसके बाद वो सभी भोग को भक्तों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो भी माता से आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं नवरात्रि के दौरान. आम दिनों में भी माता को भोग लगाया जाता है, श्रृंगार होता है, लेकिन नवरात्रि के समय में इसका एक अलग ही महत्व हो जाता है. भक्त जो होते हैं वो काफ़ी बड़े तादाद में वहाँ पहुँचते हैं और माता का आशीर्वाद लेने से पीछे नहीं होते. तो आपको भी माता रानी का आशीर्वाद मिले, ऐसा आई होप कि आपको भी मिले और ऐसा आई प्रे कि आप सभी को मिले और साथ साथ मुझे भी मिले. आप भी प्रे कीजिए और अब विदाउट एनी बकवास और माता का आशीर्वाद लीजिए और आरती एंजॉय कीजिए. Liked my today's video. If you did, then don't forget to hit like, share, and subscribe to my YouTube channel, which is Quick Trip with Millie. And see you guys in my next video, which is going to become tomorrow. Obviously, baat hai, as I have promised you guys, ki Navratri ke 9 din aapko main mata ke alag alag roopon ki puja ki video dikhane wali hu. Maa Vindhyavasini ki kis tarike se Navratri mein puja ki jati hai, mata ki 9 kaun kaun se alag alag roop hote hain, unke kya naam hote hain, kis tarike se puja ki jati hai, shringar mein kya kuch khas hota hai, sab kuch aapko bas meri चैनल पर देखने को मिलेगा. तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो मेरे चैनल पे बने रहिए क्योंकि हर दिन आपको माता के अलग अलग रूपों की जानकारी मैं देती रहूंगी. तो तब तक अभी आप ये वाली वीडियो देखिए और आने वाले वीडियो के इंतजार कीजिए.